भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कराहल तहसील में दिया ज्ञापन, जहां आज भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम नगर में बाइक रैली निकालकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर शिवपुर से भारतीय किसान संघ के कई पदाधिकारीगण और सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी और खाद की विशेष समस्या रहती है। कराहल की बड़ी कृषि मंडी होने के बावजूद भी वहाँ किसानों को पीने तक का पानी और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई धर्मकांटा कृषि मंडी में नहीं है और भी तमाम सारी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे कई बड़े आंदोलन किसान संघ करेगा। शुद्ध किसानों की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किसान बाद में पार्टी किसी को कारण नहीं दे रही। फसल नुकसान होने पर एक माह के अंदर राहत राशि प्रदान की जाए। ग्रामीण क्षेत्र महिला रोजगार के लिए क्षेत्र की फसल के हिसाब से प्रसंस्करण प्रशिक्षण दिया जाए और खादी ग्राम उद्योग उत्पादन का क्रय विक्रय हो। विद्युत कंपनी की KPC का चार्ज के नाम पर वर्ष में दो बार 5700 रुपये लेती है, जिसकी भरपाई किसान के पक्ष में शासन करता है। वह राशि किसानों के खाते में देकर किसानों द्वारा KPC जल लगाया जाए। अस्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को आवेदन पर कनेक्शन स्थायी किसान भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया है, तमाम मांगों को लेकर यहाँ आज इकट्ठे हुए। SDM के नाम ज्ञापन दिया है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौधरी। सर क्या आज ज्ञापन दिया है, किन विषयों को लेकर दिया है? शिवपुर को जिला बने 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी कोऑपरेटिव का मुख्यालय मुरैना ही है। शिवपुर को में कोऑपरेटिव का मुख्यालय शिवपुर बनाया जावे, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। शिवपुर जिले की कराहल तहसील में 400/220 पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना हो। इसके साथ ही कृषि उपज मंडी कराहल, जहाँ किसानों के लिए व्यवस्था के नाम पर नील है, ना कोई टीन शेड है, ना कोई किसान भवन है, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। पर्याप्त पानी की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, वहाँ का जो पूरे नीचे का फर्श है कम्प्लीट हो। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में राजस्व के मामले में हमारे किसान दर दर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार में भटक रहे हैं। कैंप लगाकर गांव नहीं तो चार गांव, तीन गांव मिला के एक कैंप लगाकर इस राजस्व के बटांकन, नामांतरण, इस छोटे छोटे प्रकरण में कैंप लगाकर ये समाप्त किए जाएं। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में अभी अल्प वर्षा और पर्याप्त विद्युत व्यवस्था न होने के कारण फसलें नष्ट हो गई है, जिनका सर्वे कर उन्हें मुआवजा और बीमा की राशि उपलब्ध कराई जावे। साथ ही पर्याप्त विद्युत व्यवस्था न होने से कई जगह पर्याप्त वोल्टेज न होने के कारण अगर बरसात अगर थोड़ी भी और लेट हो जाती तो पूरी तरह फसल बर्बाद ही हो चुकी होती। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त वोल्टेज के साथ में विद्युत उपलब्ध हो, इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर आज कराहल तहसील में भारतीय किसान संघ द्वारा एक रैली निकालकर, बाइक रैली शहर से निकालकर ज्ञापन प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम दिया गया। यहाँ सर जिन अधिकारियों को अपने ज्ञापन दिया है, उसने इस संबंध में सर क्या आश्वासन दिया है आपको? SDM महोदय से भी मंडी के संबंध में पूर्व में चर्चा हुई है। आश्वासन उनका यह था कि मैं मंडी की संपूर्ण व्यवस्थाओं को जल्दी देख कर दुरुस्त करूँगा। विद्युत व्यवस्थाओं के संबंध में भी उच्च अधिकारियों से बात करके इस संबंध में चर्चा करूँगा। आश्वासन तो मिला है, आश्वासन अगर समय पर पूर्ण नहीं होगा तो भारतीय किसान संघ आगे लंबी रणनीति के लिए फिर तैयारी करेगा। किसानों को किसी प्रकार की जब तक असुविधा अगर होगी, जब असुविधा होगी, भारतीय किसान संघ इसके लिए हमेशा किसानों की लड़ाई के लिए लड़ता रहेगा। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामचरण धाकड़। क्या मामला है सर, क्यों आज यहाँ पे इकट्ठे हुए? हमने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के, किसानों की जो भी समस्या है उनको लेकर के ज्ञापन दिया है हमने, किसानों की जो समस्या है उनके बारे में। क्या आश्वासन मिले हैं आपको यहाँ? आश्वासन मिला है हमको कि जल्दी से ही जल्दी तुम्हारे कार्य के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखते हैं कितना समय लगता है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। सर अनाज मंडी को लेकर सर क्या समस्याएं हैं? अनाज मंडी को लेकर के उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो किसानों को बैठने की व्यवस्था, ना माल को रखने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना धर्मकांटे की व्यवस्था, ना CCTV कैमरे की व्यवस्था, ना सुरक्षा की व्यवस्था। तो उसी बिंदु में मांग की है हमने कि जो व्यवस्थाएँ जल्दी से जल्दी हो सके तो बाहर के व्यापारी भी यहाँ पे आए। कराहल किसानों की बहुत बड़ी मांग है,
कूने नदी पे जो स्वीकृत डैम है उसको बनने के बाद में पानी लिफ्टिंग करके कराल के किसानों को भी दिया जाए। विनोद शर्मा, क्या सर समस्याएं हैं, क्या निराकरण हो पा रहा है यहाँ पर? देखिए, एक किसान वर्ग ऐसा वर्ग है, इसकी परेशानी राज्य सरकार अभी तक दूर नहीं कर पाई है। कम वोल्टेज मिलना, अल्प वर्षा होने से उसकी फसल नष्ट हो रही है, और अभी तक किसान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने ट्यूबवेल पर खुले में पड़ा रहता है। वो हर बार खेती करने के बाद ये सोचता है कि एक पक्का कमरा मेरे ट्यूबवेल पर बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं बना पा रहा है। फसल खरीदने वाले जो व्यापारी हैं वो प्रतिवर्ष कोई ग्वालियर, कोई विजयपुर, कोई शोपुर, कोई शिवपुरी प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन किसान का पक्का कमरा अभी तक उसके फार्म पर नहीं बन पाया है। एक टपरे में ही पड़ा रहता है वो। उसकी हमारा भारत क्या है, 70% किसानी पर आधारित है। किसान को फसल का उचित मूल्य मिले, किसान को समय पर उसकी समस्या हल हो, किसान कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के चक्कर काटता रहता है, फसल बेचने के लिए मार्केट का चक्कर काटता रहता है। काफ़ी तंग है किसान, मजदूर से बुरी हालत किसान की आज मध्य प्रदेश में हो रही है। मैं आप सब किसान साथियों के साथ में, मैं भी एक किसान हूँ और आप सभी का, किसानों का समर्थन करता हूँ। ऐसे ही एकजुटता होकर अगर आप मांग रखोगे तो प्रशासन बिल्कुल आपकी मांग पूरी करेगा और प्रशासन झुकेगा। हमारा वर्गी तो एक ऐसा है कि हम ही तो खाने के लिए उत्पादन कर रहे हैं। आप ये देखिए, किसान एक जीवन को चलाने के लिए उत्पादन करता है, गेहूं उगाता है, और एक चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में चप्पल पर रेट फिक्स हो जाती है कि चप्पल 100 रुपये की मार्केट में जाके बिकेगी, उस पर पर्ची लग जाती है। हमारे गेहूँ पर कोई पर्ची नहीं लगी आज तक कि गेहूँ इस रेट में बिकना चाहिए, कि सरसों इस रेट में बिकना चाहिए। जब से महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसानों का, सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन जिससे हम जीवित रहते हैं, जिसको पैर में पहनते हैं उसकी रेट निर्धारित है, जिसको हम खाते हैं उसकी रेट अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। रेट फिक्स होने चाहिए किसान की फसल की, तब किसान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। सर आपका? हरिशंकर पालीवाल। क्या पद है सर आपका? भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत की कार्यकारिणी का सदस्य। क्या देखने को सर रोज आता है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं क्षेत्रों में, आज तक सर कोई मांगे पूरी हुई है या नहीं हुई है? भारतीय किसान जब जब भी मांग करता है तो भारतीय किसान संघ की मांग पर मध्य प्रदेश में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन वो गौर करती है और उसका परिणाम भी आता है जो किसानों के हित में उसका लाभ दिखाई देता है। अभी सर जो मांगे आपने आज रखी है, इनको सर पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा सर? कुछ मांगे ऐसी हैं जिसके लिए समय देना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए समय